बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरबिया तमाम से उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त मेरे व्यूअर्स आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे एकदम जहाँ भी होंगे। और मैक लगाने का क्या फ़ायदा होता है, मैक का क्या फ़ायदा होता है मुझे ज़रा आज इस वीडियो में थोड़ा देखना होगा। मेरे बैक साइड पर आपको शोर शराबा की आवाज़ें आ रही हैं, क्या आ रही हैं या नहीं मुझे आपने बताना है। पहले ज़रा आप लाइक कर दें, ठीक है, नहीं करना तो आप वीडियो देखिए और चलिए नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको इस वक्त नॉइस आ रही है या नहीं। इनको शोर शराबा मेरे बैक साइड पर आपको जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं, जितना भी यहाँ पर रश है, मार्केट है, व्लॉग मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि इस वक्त शोर आ रहा है या नहीं, ठीक है। लेकिन मैक का फ़ायदा बहुत ये होता है कि ये पीछे आपको जितना भी शोर आ रहा है ना, तो अब क्या अब आपको आ रहा है शोर, नहीं तो तब भी ज़रूर बताइएगा, अगर आ रहा है तो तब भी बताइएगा कि यहाँ पर आपको शोर की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। मैक लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको शोर नहीं सुनाई देगा, आप जितना मर्जी आपके पीछे को बोल रहा है तो आप उसकी आवाज़ बहुत ही कम आएगी। जो आप सामने कैमरे के बोल रहे होंगे, आपका मोबाइल अटैच होगा माइक, तो सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी, इसके अलावा बहुत ही कम शोर आएगा, सिर्फ आपकी आवाज़ क्लियर आएगी बहुत सारी। ये फ़ायदा होता है आपको मैक का और बैक मैक के, मैक का यही एक बस फायदा है कि आप इसके साथ वीडियो बनाएंगे मैक के साथ तो आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की वॉइस नहीं सुनाई देगी। आप अपनी आवाज़ बड़े हमल से, इत्मीनान से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से बोलेंगे ना। ये देखिए कितना ज़्यादा शोर है, आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पर कितना ज़्यादा शोर है, लेकिन इस वक्त आपको कितना ही कम मिल रहा है। इस वजह से सिर्फ अगर मैक हो तो फिर तो क्या बात है, अगर मैक नहीं है तो फिर जनाब आपको बहुत ज़्यादा शोर मिलने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। मैं इस वक्त कहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं दमान सीको मार्केट में इस वक्त खड़ा हूँ, बिल्कुल मस्जिद के सामने, सीको मार्केट के सामने। उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो अहली बैंक भी मौजूद है, मैं अहली बैंक के बिल्कुल सामने हूँ और साथ मेरे सामने इस वक्त सीको मस्जिद है, मैं उसकी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मोहम्मद सीको जाकर।